Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Yes, I hope you are able to see me. I hope you are able to hear me. आपके जो कान है और जो आंखें एकदम टकाटक चकाचक चल रही हैं. Good morning, अपूर्वा, अवंतिका, ओह हो हो, माधुरी, नवीन. Is the audio video clear? जल्दी से बताइए मुझे. फटाफट फटाफट गुरमन, क्या बात है, क्या बढ़िया अतरंगी अतरंगी नाम है जेंजी वाले. लुनावत, ओह हो, अमृता, मीत परमार, प्रवीण लोखंडे, क्या बात है जी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो कैसे हो आप सब, कहां कहां से हैं आप, कहां कहां से हैं आप, जल्दी से बताओ मुझे. वेलकम है पहले तो आपका सबका इस सीए फाइनल ऑडिट बैच में फॉर मे नवंबर 24 एग्जाम्स. यस, ऑल क्लियर है सर. हाँ, हम सारी टेस्टिंग करके बैठे हैं, ठीक है. वो तो मैं तुमसे एक अश्योरेंस ले रहा था, ठीक है. मैं आपसे एक अश्योरेंस ले रहा था कि सब कुछ एकदम चकाचक है, टकाटक. मैं देख रहा था कि आप कितने सच्चे बच्चे हो, तो सारे अच्छे अच्छे बच्चे आए आज हमारे पास. ओडिशा, आसाम, मुंबई, पंजाब, क्या बात है. सिलीगुड़ी, ओहो, होशियारपुर. होशियारपुर वाले बच्चे तो होशियार रहते ही होंगे, होशियारपुर वाले तो होशियार रहते ही होंगे. सरायपली, छत्तीसगढ़, राजकोट, पटना, क्या बात है. मैं ये देख रहा हूँ वो वाली बेल्ट काफी आ गई है, वो वाली जो पूरी बेल्ट है ना, वेस्ट बंगाल वाली, वो सारी आ गई है. खुशी जैन, ओहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्या बात है. अहमदाबाद, जलंधर, हरियाणा, नंदेड़ करके कुछ होती जगह, राइट. कोलकाता, गुजरात, हरियाणा, ओके. अरे बाप रे, इतनी तेजी से जा रहा है ये सारा. सूरत, गुरुग्राम, गुड. गुरुग्राम के दो बच्चे हैं, तुम दोनों दोस्ती कर लो, पंकज और तुषार. भोपाल, इंदौर, शाबाश. सो वेलकम है आप सबका आज के इस ऑडिट बैच में, आपकी इस आज की क्लास में. सो दिस इज द फर्स्ट क्लास जहां पे हम स्टार्ट करने वाले सीए फाइनल ऑडिटिंग. एक बात और बताओ, थोड़ा सा और टच करूं. हाँ सर बताओ, एक बार इंटर के नंबर बताना स्टार्ट करो ना अपने, जल्दी से. इंटर ऑडिट में कितने मार्क्स आए थे एक बार फटाफट मुझे बताना शुरू करो. लाहौर, क्या बात कर रहे हो, दिल्ली, लाहौर, झांसी, दरभंगा, बिहार, कोलकाता, ओहो हो हो हो, श्रीरंगम, अजमेर, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश. चंडीगढ़, वेरी वेरी गुड. अब मार्क्स बताओ जल्दी से अपने ऑडिट के, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. 40, 40, 56, अब लग रहा है सीए के बच्चों से बात हो रही है. 66 है, ये सचिन यादव ना मामा बना रहा है, ठीक है, कह रहे 97. 70 कौन लिखता है, इसने लिखा SATRA. यामिनी, ओ सॉरी नाम नहीं लेने ना. 70, वेरी गुड. क्यों जले पे नमक छड़, अरे जले पे नमक नहीं छड़क रहा, मेरे एक एक्सरसाइज है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. 47, 55, 59, मोस्टली लोग 40s 50s में है व्हाट आई कैन सी, राइट. और बाकी 62 दिख गया मुझे, मुझे 60 वाले जल्दी से लग से दिखते हैं. खुशी के 66, वेरी गुड खुशी. तो मैं कह रहा हूँ ना, खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, खुशी तो खुशी से पढ़ती ही होगी. और बताओ सर, 50, 42, 49, 46, वेरी वेरी गुड. एक बच्चा तो कह रहा रिजल्ट नहीं आया, मतलब तुमने मई 23 के दी, अब तुम यहाँ पे सीधा मई 24 की क्लास में आके बैठ गए, बदमाश. चलो सर, 50, 48, बेसिकली 40, 50 के बीच में आप कहीं घूम रहे हो. तो अभी ऐसा करते हैं ना, हम सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, लेट्स सेट द टारगेट फॉर सी ए फाइनल. बताओ 60+ या 70+, ये आपके ऊपर है. मैं आपको दोनों चॉइस रखने की पूरी आपको इजाजत देता हूं. मेरे आए थे भाई साहब 71, ठीक है, मेरे आए थे 71, जबकि सारा मामला मुझे खुद समेटना पड़ा, सारी चीजें मुझे खुद सीखनी पड़ी, सारी चीजों को खुद इंटरलिंक करना पड़ा, खुद याद करना पड़ा. बट अब बताओ, क्या आप भी 70+ की इच्छा रखते हो, जल्दी से बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ 70+, ज्यादा 100, 90 की मत सोचो, टेंशन हो जाएगी, पहले दिन ही टेंशन हो जाएगी, 100 कैसे लाएंगे. सोचो ऐसा जिससे कंफर्ट भी रहे और मजा भी आए, वेरी गुड. सब बच्चों ने बोला 70+, 99+, हाँ आईसीआई का पेपर है बाबू, बीकॉम का नहीं, बीकॉम में भी नहीं आते इतने तो. गुरमन, शफाली, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. So, let's target 70+ and I'm sure we can able to achieve it. बहुत आसान है इसको अचीव करना, जस्ट आपने जो जो मैं बताता हूं वो करते हुए चलना है. अब सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम डिस्कशन है, वो जल्दी से कर लेते हैं. वो क्या है, मटीरियल्स को लेके.
तो जो आपके मटेरियल्स हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अवर ऑडिट नोट्स, साथ ही साथ आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक। ये जो क्वेश्चन बैंक है इसी के अंदर ही देयर आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आर एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज है ये बेसिकली आईसीएआई यस इसकी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, सर पब्लिकेशंस का क्या मतलब है, आरटीपी एमटीपी और बोलो सर बिकाजी, अमित जी लव्स बिकाजी, तो आरटीपी हो गई एमटीपी हो गई प्लस जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पूरी एमसीक्यू की बुकलेट डाल रखी है वो भी हमने इसमें कवर कर रखी है, ठीक है। तो यहां आपका ये मटेरियल हो जाता है। अब इसके अंदर एक स्पेशल पार्ट है जो इसी बैच में हो रहा है, क्योंकि अभी ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का गेम चल रहा है, तो आपको अभी मिलेगा पार्ट ए। सर पार्ट ए का क्या मतलब है, पार्ट ए का मतलब है राइट नाउ यू विल गेट ओनली टू टॉपिक्स एंड दीज आर नॉट ओनली, काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स का मटेरियल अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं होगा, द बुक्स हैव बीन डिस्पैच्ड यस्टरडे ओनली, सो बाय दिस वीकेंड और मैक्स टू मैक्स बाय मंडे और ट्यूसडे आपके पास बुक्स मिल जाएंगी। तो ये आपका मटेरियल रहने वाला है, मैंने फिर से बताया पार्ट ए आपके पास पहले आएगा नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, उसमें आपके पास ये टॉपिक आएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स। नाउ कम सर मेरी क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, पहली बात तो भाई साहब सुबह सुबह आप क्लास में आ रहे हो तो नहा के आना, ठीक है, ऐसे मुंह उठा के बस 7 बजे की क्लास है तो 6:55 का अलार्म लगाया उसको 2 बार स्नूज मारा और 7:05 7:10 तक गिरते पड़ते क्लास में आ गए, ना ऐसा तो नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलने वाला। अगर आप अपने इंटर के 40s और 50s को 70+ में बदलना चाहते हो, अपने लिए कुछ एक्साइटिंग और अमेजिंग करना चाहते हो, तो यू नीड टू बी अ लिटिल सीरियस, ठीक है, ज्यादा सीरियस होकर कोई फायदा नहीं है, लिटिल सीरियस होना पड़ेगा और उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप क्लास में नहा के आएंगे, नहाने का मतलब है टेक शावर बिफोर कमिंग टू द क्लास, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप क्लास में आओगे यू नीड टू स्टे अटेंटिव। सर अटेंटिव का क्या मतलब है, हमारी क्लास हो रही है भाई साहब वर्चुअली, अब वर्चुअली का मतलब है मैं आपको देख सकता हूं, ठीक है, ऐसा मुझे फील होता है, आप मुझे देख सकते हो ऐसा असली में हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु हैज टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, यानी जो बातें मैं आपको बोलूं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूं, यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे साथ साथ बोलो तो तुम बोलोगे, सिर्फ मुंह हिलाओगे नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको उसको दोहराना है, तो यू नीड टू स्टे अ किड द वे आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन एंड उनको आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है सर। सेकेंड थिंग, हैव अ फन लर्निंग एटीट्यूड। सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है फन लर्निंग एटीट्यूड। बचपन में याद है टीचर एक पोयम सिखाती थी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो वो पोयम आपको तब से लेके अब तक याद क्यों है, आपने उस पोयम का रट्टा लगाया था, बोलो बोलो सारे बच्चे बताओ, वो पोयम जो है जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, क्या वो तुमको अभी तक याद क्यों है, जल्दी से बताओ। बच्चा कह रहा हम तो उठ के नहा के पूजा वूजा करके भी बैठे हैं, क्या बात है, वेरी गुड नवीन, तुमसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, जल्दी से बताओ कैसे याद है वो तुमको पोयम। भाई साहब यू वर इंजॉइंग दैट पोयम, आपने जो एक्शंस थे वो सारे एक्शंस अपनी टीचर के साथ करे एंड अल्टीमेटली आपकी वो मेमोरी में फिक्स हो गया, परमानेंट एकदम फिक्स हो गया, उसको अब आपको भूलने की जरूरत नहीं, वो हमेशा आपको याद रहेगा, समझ आ रही है। बच्चा कह रहा है रट्टा लगाया था, नहीं तुमने उसको इतनी बार बोला वो दिमाग में बैठ गई, एक्शंस के साथ पढ़ा था, एक खुश मन के साथ पढ़ा था, हैप्पीनेस के साथ पढ़ा था। तो मैं कहता हूं अगर हम ऑडिट को भी उसी नजरिए से देखें, उसी हैप्पीनेस के साथ पढ़े, तो ये भी हमारे माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी देता हूं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कैसे याद है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करते थे। तो ये जो चीजें हैं यही आपको हमेशा याद रहती हैं। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं ऑडिट को अगर रट्टा लगाने जाओगे मजा नहीं आएगा, बट ऑडिट को अगर मजे से पढ़ने जाओगे तो मजा भी आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपने करना है एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
रिवाइज आफ्टर द क्लास। जब भी मैं आपके साथ कोई क्लास खत्म करूंगा, आपने अगली क्लास से पहले उस क्लास के पार्ट को रिवाइज करके आना ही आना है। आई ये बात समझ? हाँ सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम गुड हैबिट्स, बट दीज गुड हैबिट्स वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ टूडेज क्लास, कि क्या क्या अच्छी अच्छी हैबिट्स है जो आपको अपने साथ रखनी है। नाउ विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन द टूडेज क्लास, एंड आज की क्लास को शुरू करेंगे सर ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के साथ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर देखो, हाँ पता नहीं कहां देख रहे हो, इधर देखो, फटाफट अपनी नोटबुक उठाओ। एक नोटबुक आपने मेंटेन करनी है सर, कितने पेजेस की, कोई भी क्लासमेट का एक रजिस्टर रख लो, एंड वो ऑडिट का ही रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम उसमें पेजेस फाड़ के उसको खत लिख रहे हो, उसी में ही अपने ऑडिट और आर्टिकलशिप के काम लिख रहे हो, नहीं, एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव नोटबुक चाहिए मुझे आपके ऑडिट की क्लास के लिए, एंड वो नोटबुक आपने मेंटेन करके चलनी है। तो अभी अपनी जो भी नोटबुक है हाथ में चुपचाप उसको निकालो, डायरी हो चाहे कुछ भी हो। नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सर कौन से एसे के साथ? हम स्टार्ट कर रहे हैं एसे 200। सर एसे 200 का क्या मतलब है? एसे 200, ये है एसे 200, मैं कहता हूं 00 भी नहीं, ये है ओ। सर ओ बोले तो पहले ओ का क्या मतलब है पूछो मुझसे? पहले ओ का मतलब है ओवरऑल। ओ दूसरे ओ का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले बात करेंगे सर क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है सर। इसी का एक सेकंड पहलू भी होता है, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके हिसाब से हमको ऑडिट करके चलना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर क्या ऑडिटर के साथ। ये ऑडिटर आदमी कौन है, हु इज एन ऑडिटर, और ऑडिटर की जरूरत क्यों है, तो फटाफट आ जाओ, ये 2 मिनट की डिस्कशन है, इसी को निपटा लेते हैं। तो आपने अपने बचपन में, क्लास 11th की बात कर रहा हूं, सर टीचर ने आपको कंपनी का फॉर्मेट समझाया था। सर कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी का मतलब है जो हमारे शेयर होल्डर है वो अलग है, जो मैनेजमेंट है वो अलग है। इधर देखो, जो हमारे शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो अलग लोग हैं, जो मैनेजमेंट है जो कंपनी को चला रही है वो अलग लोग हैं। तो शेयर होल्डर ने मैनेजमेंट से पूछा साल के एंड में, ओ मैनेजमेंट इधर आओ, तुमने इस साल कितना मुनाफा कमाया, तुमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? तो मैनेजमेंट बोली, सर मैनेजमेंट क्या बोली, इस साल हमने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। शेयर होल्डर बड़े खुश हो गए। शेयर होल्डर कहते वाह जी वाह। शेयर होल्डर अगले साल फिर आए, कहते मैनेजमेंट तुमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, कहते इस साल हमने 200 करोड़ कमाया। ये फिर खुश हो गए, वापस चले गए। तीसरे साल के बीच में इनको पता चला ये इनको उल्लू बना रही है, इनको किसी से सुनने में आया कि ये इनको उल्लू बना रही है। तो बेसिकली यहां पे ट्रस्ट इश्यूज आ गए। तुम तो जेनजी लोग हो, तुमको तो ट्रस्ट इश्यूज के बारे में पता ही होगा। तो अब जब शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट इश्यू आ जाएंगे, तो शेयर होल्डर्स को अब मैनेजमेंट पे ट्रस्ट बनाना है। इसको अब मैनेजमेंट पे एक अश्योरेंस चाहिए कि ये जो मैनेजमेंट है ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनाती है या नहीं। तो ये जो गैप है ना, यहां पे है ढेर सारे शेयर होल्डर, तुम शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर, सब शेयर होल्डर। इन शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए सर? इनको चाहिए अश्योरेंस। इनको चाहिए अश्योरेंस किस चीज को लेके, कि यहां जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है, यही मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, स्पाइक्स वाले बाल वाली मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बनाती है या नहीं। ध्यान से सुनते जाओ, फील आती जाएगी। ये जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनाती है कि नहीं, इसके लिए इन प्राणियों को, सर प्राणी कौन है ये? शेयर होल्डर्स। इन शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? अश्योरेंस। अब एक बात बताओ, क्या एक एक शेयर होल्डर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे शेयर होल्डर है, मैं दूसरे शेयर होल्डर पे विश्वास कैसे करूं? तो इन्होंने कहा ऐसे बंदे को भेजो जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो आता है,
जिसको टैक्स के बारे में आता है, जिसको आईडीटी के बारे में आता है, जिसको डायरेक्ट टैक्स के बारे में आता है, जिसको लॉज एंड रेगुलेशंस की अच्छी नॉलेज है, प्लस उसको यह भी आता है कि ऑडिट कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा प्रोफेशनल तो एक ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहां पे भेजेंगे, अब हम यहां पे एक सीए को भेजेंगे जो बैठ के अब ऑडिट करेगा। और सर ऑडिट में क्या चेक करेगा, क्या एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं या नहीं। तो आई होप द मीनिंग ऑफ ऑडिट इज समवेयर क्लियर टू यू। अब ये जब चेकिंग कर लेगा उसके बाद ये इन लोगों को अपना ओपिनियन दे देगा, ये इन लोगों को अपना ओपिनियन दे देगा एंड यहां पूरा ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टन टना टन टन। अब आते हैं सर ऐसे 200 में। तो एक बात बताओ, यहां पे जब मैंने लिखा ऑडिटर तो इसके साथ इंडिपेंडेंट क्यों लिखा? इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो ऑडिटर है ये मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ नहीं है, ये जो ऑडिटर है इसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों की कोई भी रिलेशन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इन दोनों का कोई रिश्ता होगा, तो ये ओपिनियन सही देगा या गलत? सर गलत देगा, हमको तो सही ओपिनियन चाहिए। दैट्स व्हाई जब भी आप ऑडिटर बोलोगे उसके साथ आपको एक प्रीफिक्स लगाना है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में यस और नो। इज एवरीथिंग टिल हेयर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस अभी यहां पे हम बेस सेट कर रहे हैं, जैसे ही बेस सेट हो जाएगा, जैसे ही बुनियाद सेट हो जाएगी, अपन इस पे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, मजा आ जाएगा, अंटीला बना देंगे नेक्स्ट लेवल। फटाफट बताओ इज एवरीथिंग टिल हेयर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अब तुम सबके मन में सवाल, सर ऑडिटर समझ आ गया, ऑडिटर इंडिपेंडेंट समझ आ गया, समझ आ गया, अब ये कमबख्त ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? यस सर हम जानना चाहेंगे। फटाफट आ जाओ अपने नोट्स पे। तो सबसे पहले लेट्स लर्न विथ फन एसए 200। ओओ का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो आप सबके मन में एक सवाल था सर क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? तो सबसे पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? आपको देना है ओपिनियन। ओ आपने क्या देना है? ओपिनियन। सर ओपिनियन किस चीज को लेके? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं। तो मैं एक बात बोलूं, कोई चीज सही है इसका मतलब ये भी तो है उसमें गलती नहीं है, यस और नो? यस सर। तो आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, जो हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इनके अंदर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फिर कहता है कि जब आपको ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए, इधर देखो, जब आपको ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन दे पाओगे। सर ओपिनियन क्या दे पाओगे? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। आधे बच्चे तो कह रहे हैं सर ये बॉल गई हमारे ऊपर से एज अ बाउंसर। अब तुम्हारे मतलब की बात करते हैं। किसी बच्चे का नाम बताओ, रवि। आज रवि ने सीए के पेपर लिखे हैं। दो से पांच तक रवि ने पेपर लिखे। अब एक बात बताओ, जब इसने पेपर लिखे अब क्या होगा? सर अब एग्जामिनर चेक करेगा। जब एग्जामिनर चेक करने बैठा तो एक तरफ तो थी रवि की शीट, ये रवि की शीट है, दूसरी तरफ तो क्या आईसीआई की मार्किंग स्कीम। अब अगर एग्जामिनर बोलता है कि रवि के पेपर में गलती है, ठीक है, मैं कहता हूं गलती वर्ड आज से कोई यूज ही नहीं करेगा, आज से अपन गलती को क्या बोलेंगे? मिसस्टेटमेंट। रवि के पेपर में कोई मिसस्टेटमेंट है तो सर ये मिसस्टेटमेंट किस बुनियाद पे बोल रहा है? जल्दी से बताओ, अगर मैं कहता हूं रवि के पेपर में गलती नहीं है या गलती है, तो ये किस बुनियाद पे बोल रहा है कि गलती है या नहीं है? सर ये रवि के पेपर को चेक कर रहा है एज पर द आईसीआई मार्किंग स्कीम। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि मैं बोलूं किसी बच्चे ने गलती की तो मैं किस बुनियाद पे बोल रहा हूं?
जब मैं मार्किंग स्कीम से कंपेयर कर रहा हूं, ऐसे ही हमारा जो ऑडिटर है, मान लो रवि ऑडिटर बन गया बड़े होके, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, अब ये क्या करेगा सर, ये रखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको रखेगा, और साथ में क्या रखेगा, इसकी मार्किंग स्कीम। सर इसकी मार्किंग स्कीम को बोलते हैं एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये उससे कंपेयर करेगा, जब ये दोनों को कंपेयर करेगा कि हाँ सब टनाटन है, सब सही है, तो ये बोलेगा कि क्या इसमें मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ऑडिटर को अगर अपना ओपिनियन देना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो वो ओपिनियन देने के लिए उसको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एफआरएफ के हिसाब से बने हैं या नहीं। अब सर दबंग में एक हीरोइन थी जिसका नाम था सोनाक्षी सिन्हा, उसकी एंट्री बस अब आने वाली है, ध्यान से समझना। सवाल ये उठता है मिसस्टेटमेंट होती क्या है, क्या आप सबके मन में सवाल आ रहा है मिसस्टेटमेंट होती क्या है? मैं बोलू मिसस्टेटमेंट यही तो है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एफआरएफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन दोनों के बीच में आ जाए दरार। सर दरार का क्या मतलब है? बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, तो मैं उसी को मिसस्टेटमेंट बोलता हूं। एग्री और नॉट? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बने हैं और जैसा उनको बनना चाहिए था एज पर एफआरएफ, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए तो क्या मैं उसी को मिसस्टेटमेंट नहीं बोलूंगा? जल्दी से बताओ, अभी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, फटाफट बताओ। इज दिस पॉइंट क्लियर? हां जी, ये बात समझ आई? यस सर। तो यही पॉइंट आपको मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में मिलेगा। देखो क्या कहता है, मिसस्टेटमेंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिफरेंस। मिसस्टेटमेंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिफरेंस। आओ जल्दी से एक बार मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी लेते हैं। व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? सर मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस इन द ए सी पी डी, इनका क्या मतलब है अमाउंट, सी का क्या मतलब है क्लासिफिकेशन, पी का क्या मतलब है प्रेजेंटेशन, एंड डी का मतलब है डिस्क्लोजर। जो हमारी अमाउंट्स हैं यानी जो न्यूमेरिकल नंबर आते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल में, जो हमारी क्लासिफिकेशन है एक पर्टिकुलर खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो हमारी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले एसेट्स आएंगे, एसेट्स में भी कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, फिर कुछ अदर करंट फाइनेंशियल एसेट होंगे, तो प्रॉपर हमको प्रेजेंटेशन रखनी है। डिस्क्लोजर यानी आपके नोट्स टू अकाउंट्स, ये जो है ना, अगर इनमें डिफरेंस है, सर डिफरेंस मतलब व्हाट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो अपन इसको मिसस्टेटमेंट का नाम दे देंगे, अपन इसको मिसस्टेटमेंट का नाम दे देंगे। फटाफट पूरी डेफिनेशन मुझे अभी याद करके बताओ। सर मिसस्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस, ये दरार है। सर दरार किसके बीच में? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आए हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आने चाहिए थे, बन के आने चाहिए थे किसके हिसाब से? एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो हम उसको मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। अब सर अब डिफरेंस किस चीज को लेके हो सकता है? अमाउंट को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके और डिस्क्लोजर को लेके। वापस बोलो मेरे साथ, ए सी पी डी। वो होता था ना बचपन में पावर रेंजर एसपीडी, पता नहीं तुम्हारे जमाने में था कि नहीं, मेरे था। ठीक है, एसीपीडी का क्या मतलब है? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। जल्दी से बोलो, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, एटलीस्ट बोलो तो सही। तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, बट बोलना जरूरी है। ठीक है, सो मिसस्टेटमेंट इज अ डिफरेंस इन एसीपीडी। सर एसीपीडी का क्या मतलब है? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर क्या
वन दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द वन दैट वॉज रिक्वायर्ड एज पर द एफआरएफ. अब सारे बच्चे मेरी बात समझो, अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 10 रुपए की गलती है, हो 10 रुपए की गलती हुई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा. अब ऑडिटर ने क्या किया सर, 10 रुपए की गलती निकाली. अब 10 रुपए की गलती निकाल के कहते हैं मैं तो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा, मैं तो मैनेजमेंट की गलतियों को शेयर होल्डर तक पहुंचाऊंगा. अब 1000 करोड़ की कंपनी में जीरो भी नहीं गिन पाओगे, इतने सारे जीरो हैं. उसमें अगर 10 रुपए की गलती होती है तो क्या इससे ऑडिटर को चिल्लम चिल्ली करनी चाहिए क्या, क्या अपनी रिपोर्ट से इसको मॉडिफाई कर देना चाहिए? द आंसर इज नो. तो हम बोलेंगे कि हमको मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता बाबू, हमको मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता. तो किससे फर्क पड़ता है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, ये चीज तुम ऑलरेडी आईपीसीसी में पढ़ चुके हो, फटाफट बताओ मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? What is that one thing that affects you? If not the misstatement, then what? Very very good. अब बोले सारे के सारे material misstatement. हमको misstatement से फर्क नहीं पड़ता, material misstatement से पड़ता है. हमको material misstatement से फर्क पड़ता है. और ये मैं नहीं, सोनाक्षी जी भी कह रही हैं. कहती हैं क्या साहब, मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है. तो ऑडिटर को किसकी पड़ी है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट की पड़ी है. सो डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन फटाफट रीड करते हैं. डिफरेंस बिटवीन द एसीपीडी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इन अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड एक तो जो है जो कि रिपोर्टेड है प्लस दैट वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर द एप्लीकेबल एफ आर एफ. अगेन जो गलती है वो गलती किस वजह से हो सकती है? इट कैन बी अनइंटेंशनल, इट कैन बी इंटेंशनल. फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो हमारी गलतियां हैं, मिस स्टेटमेंट है, गलती से मिस्टेक, ये कैसी हो सकती है? अनइंटेंशनल और इंटेंशनल, यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है, यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है. आई होप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. तो सर पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस. अभी मैं इस पे वापस आऊंगा. किस चीज को लेके? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये मुक्त हैं. सर किससे मुक्त हैं? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से. सो मिस स्टेटमेंट का मतलब भी पता चल गया, मटीरियलिटी का मतलब आपको पता ही है. मटीरियल कौन सी चीज है? सर मटीरियल वो चीज है जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है. मटीरियल कौन सी चीज है? सर जिससे यूजर को, यूजर मतलब जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करने वाला है अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, उसको फर्क पड़ता है. अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये मटेरियल नहीं है. अब एक बात बताओ, कौन मटेरियल कौन नहीं मटेरियल? अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है. प्लस इसके बारे में हम गंगोर चर्चा करेंगे ऐसे 320 में, ठीक है? तो अभी के लिए आप मटेरियल का मतलब ये समझो, ऐसी अमाउंट या ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है. आ जाओ सर, मिस स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिया, इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पता नहीं कहां कहां देख रहे हो, जल्दी से इधर देखो. मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं अगर इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो ये एफआरएफ के हिसाब से ही बने हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे आगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को और आगे बढ़ाऊंगा, बट तुमको मुझे बताना पड़ेगा. अगर मैं कहता हूं इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्या मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कोई मटेरियल डिफरेंस ही नहीं है? अगर मटेरियल डिफरेंस नहीं है तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए थे वैसे के वैसे ही बने हैं. फटाफट बताओ, यस और नो? यस सर. गार्गी कह रही है नो. गार्गी क्यों, तुम ऐसा नो क्यों कह रही हो? मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है मतलब कोई गलती नहीं है. अगर गलती नहीं है तो आपका पेपर मार्किंग स्कीम से मिलता है, ऐसे ही आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ से मेल खाते हैं, तुमको उससे दिक्कत क्यों हो रही है? आओ दिखाओ, मैं तुमको यही बात लिखी है. तो कहता है जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी किसको लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर बाय
यू विल बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सर ओपिनियन किस चीज को लेके? कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। तो पहले क्या बोला, संतुष्टि ले लो कि मटीरियल स्टेटमेंट नहीं है। जब संतुष्टि मिल जाए, संतुष्टि कौन है बताओ? यही तो संतुष्टि है। अरे बाबू यही तो संतुष्टि है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। मैंने ये नहीं कहा ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो पहले आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। एक बार रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई, इसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन निकाल सकते, ठीक है। इज द टू स्टेप प्रोसेस क्लियर टिल हियर? पहला स्टेप क्या है जल्दी से बताओ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का पहला स्टेप बताओ। सर पहला स्टेप है रीजनेबल अश्योरेंस। एक बार रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो बाबू हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सवाल है, मैंने अपने मन में ओपिनियन बनाया, सर पे लगाया ठंडा तेल और अपने मन में ओपिनियन बनाया, तुमको कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताओ। मैंने तो ओपिनियन बना लिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ। अब ये ओपिनियन तुमको कैसे पता चलेगा, फटाफट बताओ। हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट दिस ओपिनियन? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, कैसे जानोगे तुम मेरे मन में क्या चल रहा है? ऑडिट रिपोर्ट से, वेरी वेरी गुड। तो थर्ड स्टेप क्या है? अरे ओपिनियन को अपने मन में थोड़ी रखना है, शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं तो बता के जाओ। तो यू नीड टू रिपोर्ट। तो द थर्ड स्टेप इज रिपोर्टिंग। तो थ्री स्टेप्स क्या हो गए? पहले रीजनेबल अश्योरेंस ली, संतुष्टि ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्यों ली? ताकि आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाओ। ओपिनियन किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। बोलो मेरे साथ, ओपिनियन किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड वंस योर ओपिनियन इज रेडी देन यू विल इशू योर ऑडिट रिपोर्ट। तो अगला पॉइंट यही कहता है, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। फटाफट बताओ क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्लियर है, यस और नो? फटाफट इसको देखो और मुझे बताओ इज दिस होल पॉइंट क्लियर और नॉट। यही ऑडिट का सार है। दो बार तीन बार बोलो अभी के अभी, इसको दिमाग में सेट करो, देन ओनली रिप्लाई। डन डना डन डन। क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, जल्दी से आओ। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, तुमको मजा आ जाएगा। सर क्या हर बार मैं बोलता हूं तुमको रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब है संतुष्टि, ठीक है? मैं क्या बोलता हूं, रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है सर? संतुष्टि। संतुष्टि का क्या मतलब है? बेसिकली सेटिस्फेक्शन, इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। ऑडिटर बेसिकली नीड्स सेटिस्फेक्शन। मुझे कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी? अभी ऑडिटर फाइंडिंग के ऊपर अपन गए नहीं है, अभी इधर फोकस करो। ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी मैं बताता हूं। जब मेरे पीएनएल में मान लो रिपेयर का खर्चा डला हुआ है 10 लाख रुपए, तो जब मैं 10 लाख रुपए का इनवॉइस चेक कर लूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी इनवॉइस के साथ साथ मान लो मैंने इसका एग्रीमेंट देखा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई। मैंने इसका परचेज ऑर्डर देखा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई। यानी मैंने जब ये सारी चीजें देखी तो ऑटोमेटिकली मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती गई। तो सर सेटिस्फेक्शन किससे आती है? यू गेट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम sufficient
आधे बच्चों को थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि सर हाँ सुना सुना लग रहा है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो आपका ऑडिट एविडेंस है वो क्या होना चाहिए सर? वो होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। वंस यू गेट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, आपको अपने आप एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ अब मैं कह सकता हूं यहां पे गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो फिर मैं अपना ओपिनियन दे पाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली आपने एक ऑडिट का ना यू कैन से फ्लो समझ लिया। सर फ्लो क्या समझ लिया? पहले आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, समझ रहे हो? जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिट एविडेंस है उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो। सर कंक्लूजन क्या? कि मामला यहां पे ठीक है या नहीं। जो ऐसा भी मामला हो, जैसा भी मामला हो, उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दोगे, उसी के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दोगे। तो यही तो ऑडिट का प्रोसेस है। तो आपने यहां पे क्या करना है? आपको चाहिए सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसी को अपन कहीं ना कहीं रीजनेबल अश्योरेंस का नाम दे देते हैं। अब सवाल यह है कि ये रीजनेबल अश्योरेंस क्यों है? ये रीजनेबल अश्योरेंस क्यों नहीं है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं? गारंटी क्यों नहीं? क्या आप बताना चाहोगे? फटाफट बताओ, क्या आप बताना चाहोगे? क्या आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा है? आईला, आईला, आईला। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग। बचपन में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, आईपीसीसी में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, तो रीजनेबल अश्योरेंस काहे लेते थे? एब्सोल्यूट काहे नहीं? सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ली जा सकती। ऑडिट रिस्क को, ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग। तो आओ रीजनेबल अश्योरेंस से थोड़ी प्रेरणा लेके, रीजनेबल अश्योरेंस से थोड़ी प्रेरणा लेके फटाफट चलते हैं सर कहां? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग की तरफ। जल्दी से आओ, ये आ गए आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग। बिफोर आई स्टार्ट विद इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग, ये क्या कहता है? ऑडिटर इजंट एक्सपेक्टेड, उससे हमको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना उसकी बस की है। सर किस चीज को लेके? कि वो ऑडिट रिस्क को जीरो कर दे। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क क्या होगी? आपसे पूछ ही लेते हैं सवाल। मैं एक बात बताऊं, रट्टा मत लगाना, कॉन्सेप्चुअली चलना, ठीक है? ऑडिट रिस्क क्या हो सकती है? कैन यू थिंक अबाउट इट? एनीवन कैन थिंक? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क? सर किसी भी चीज में रिस्क है मतलब चांसेस है कि ये गलत हो सकता है। तो ऑडिट में क्या गलत हो सकता है? व्हाट कैन बी द मिस्टेक, व्हाट कैन बी द गलती दैट कैन हैपन हियर? सर ऑडिटर का एक काम है अपना ओपिनियन देना, राइट? यस सर। तो जो उसका ओपिनियन है बाबू, अगर वो ओपिनियन ही गलत हो जाए तो मैं कहूं यही ऑडिट रिस्क है। सर ओपिनियन कब? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है बट ही गेव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? हां यही तो ऑडिट रिस्क है, यही तो ऑडिट रिस्क है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है बट उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थी, मां नहीं है, मालिक मां नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर ये भी तो ओपिनियन, ये भी तो पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल। ऑडिटर बेवकूफ है क्या? संकी आदमी है क्या? कुछ भी करेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिल रही फिर भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गलती नहीं मिली और वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क का मतलब है गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या आप कभी भूलोगे जिंदगी में ऑडिट रिस्क क्या होते हैं? नहीं सर हम नहीं भूलेंगे। अब ये एक बात बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट थी बट ऑडिटर को नहीं मिली, ऐसा क्यों हो सकता है? इसके हमारे पास चार रीजंस अवेलेबल है। इसी चीज को लेके हमारे पास चार रीजंस अवेलेबल है। पहला रीजन कहता है उनकी गलती। आ हा,
अब जल्दी से इधर फोकस करना, बस 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, 5 मिनट में सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस रिवाइज हो जाएंगी, दिमाग में फिट हो जाएंगी। पहला रीजन क्या है सर? उनकी गलती। उनकी कौन? आधे लड़के तो ब्लश कर रहे हैं, सर उनकी किन की बात कर रहे हो? उनकी मतलब मैनेजमेंट की गलती। जो मैनेजमेंट है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से नहीं बनाए। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी नेचर ही ऐसी है कि उसमें गलती हो सकती है और मिले ना। एग्जाम्पल, हर चीज में तो जजमेंट लगती है, हर चीज में तो जजमेंट लगती है, सो इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। अब इनकी जो जजमेंट है कभी सही पड़ेगी कभी गलत पड़ेगी, हमको क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट से भरा रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो सही है ही है? तो आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते ना, जहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे भी ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व है, वो जजमेंट बाय मैनेजमेंट है। दूसरा, अगर मैं इनके इंटरनल कंट्रोल्स की बात करूं, जो इंटरनल कंट्रोल ये बनाते हैं गलती ना हो उसके लिए, उसके अंदर खुद के अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उसके अंदर खुद भी अलग अलग दिक्कतें हैं। तो देयर आर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं बनाए जा सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, इधर आओ। पहले तो उनकी गलती। अब मैं बताता हूं, तुम भी दूध से धुले नहीं हो, तुम भी एज एन ऑडिटर दूध से धुले नहीं हो। सर इसका क्या मतलब है? ये कहता है हमारी गलती, हमारी लिमिटेशन। सर हमारी लिमिटेशन का क्या मतलब है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं बेचारे, वो भी दूध से धुले नहीं है। सबसे पहली चीज ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको याद मत करने बैठ जाना, यू आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट। डिपेंडेंट का क्या मतलब है? अगर मुझे एविडेंस चाहिए तो मैं अपने मन से तो एविडेंस नहीं निकाल सकता, मैं गूगल करके तो एविडेंस नहीं निकाल सकता, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूं? आप मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, आप मजबूर हैं, ये नहीं। ठीक है, आपने वाली एड देखी होगी ना बचपन में, आप मजबूर है ये नहीं। तो बेसिकली आपने याद रखना, आप मजबूर है, आप मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि आप मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, आपको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी। बच्चा कह रहा है बीटेक्स की एड है, हाँ तुमको यही सब याद रहता है, तुम ये भी याद रखो, ये कह रहा है कि मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी। बाबू सर मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देगी पूछो मेरे से? क्योंकि उनके मन में चोर है, क्योंकि उनके मन में चोर है। सर चोर है का क्या मतलब है? बेसिकली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज अ, अगेन ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सोची समझी चाल। ये मैनेजमेंट की सोची समझी चाल है कि वो आपको सारी बातें बताना ही नहीं चाहती, वो आपको उल्लू बनाना चाहती है। सो फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल। सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। बड़ी सोच समझ के तुमको बेवकूफ बनाते हैं वो, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। अब एक बच्चे ने बोला तो फ्रॉड को पकड़ लो, कहता है जब फ्रॉड है तो फ्रॉड को पकड़ लो। मैंने कहा ऐसे कैसे पकड़ लो? फ्रॉड को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास पावर भी तो होनी चाहिए, तुम तो मरियल हो एज एन ऑडिटर, तुम तो पावर है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये कहता है अगला पॉइंट, आधे बच्चों को तो स्ट्राइक कर गया होगा, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, हम फ्रॉड पकड़ने थोड़ी गए थे। तो आप क्या बोलोगे? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ये बाबू इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये ऑडिट है। तो आपके पास पावर्स ऑफ सर्च है ही नहीं। जो हमें सर्च की पावर चाहिए होती है वो सारी पावर्स आपके पास है ही नहीं। फटाफट बताओ, क्या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वाली लिमिटेशंस क्लियर है?
ये जो मैंने आपको तीन लिमिटेशन बताई, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके मन में चोर है। तो पकड़ लो, कैसे पकड़े? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। आर दीज थ्री पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी यस और नो, फटाफट बताओ। याद हो गए तीनों के तीनों पॉइंट्स? याद हो गए तभी लिखना डन डना डन डन। अब इधर आओ। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? मजबूरियां। पहली मजबूरी किन की है? उनकी मजबूरी है। सर उनकी क्या मजबूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। बड़ा सिंपल पॉइंट है, तुम बोलते नहीं हो बस मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती। बोलो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर की नेचर क्या है? हम मजबूर है। सर मजबूर का क्या मतलब है? यू आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बोलो, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है, फ्रॉड है। फ्रॉड का क्या मतलब है? सोफेस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। फिर से, सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो पकड़ लो, कैसे पकड़े? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। तो ये तीन पॉइंट्स आपने बस ध्यान में रख के चलने हैं, दैट्स इट। अब सर आता है सर क्या थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जल्दी से सर आईपैड दिखाओ तो फील आए हमको थोड़ी। ये देखो, ये कहता है क्या? अब सर किसकी मजबूरी है? अब किसकी मजबूरी है? अब किसकी मजबूरी लाओगे? मैं कहता हूं अब हालात की मजबूरी है। हालात ही ऐसे हैं सर। हालात का क्या मतलब है? आपको बेसिकली ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। बैलेंस किसके बीच में? बिटवीन द बेनिफिट एंड द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। जो हमारे टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो हमारे बेनिफिट इन्वॉल्व है। सर आप कहां चले गए? इधर आओ, इधर आओ। जो हमारे टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो हमारा बेनिफिट इन्वॉल्व है, इसके बीच में हमको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर मैं ऑडिटर को कहूं तू सारी की सारी ट्रांजेक्शन चेक कर, क्या इसका कोई फायदा है? उसको तो बहुत टाइम बैठना पड़ेगा। रिलायंस जैसी कंपनी जिसमें हजारों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती हैं, अगर ऑडिटर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इंडिया के मिल जाए, वो भी एक एक ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर पाएंगे। और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर रिलायंस के लिए काम करेंगे तो बिल कितना बड़ा फाड़ेंगे अंबानी जी पे। तो क्या अंबानी जी इतना बड़ा बिल पे कर पाएंगे? अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। तो आपने मेंटेन करना है क्या? बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट ऑफ ऑडिट एंड कहीं ना कहीं जो टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है। इसी को लेके एक लाइन आती है, एक बड़ी ही अच्छी लाइन है, कवि ने कही है। आप कवि की लाइन सुनना चाहोगे? हाँ सर, कवि की लाइन सुनना चाहेंगे। कवि कहता है क्या? सुनना मेरे से कवि की लाइन। कवि कहता है डीटीसी, दिल्ली वालों, दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा, अभी सुनना। डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, इसको जल्दी से लिखो। कवि की लाइन लिखो और मुझे बताओ क्या आपने लाइन लिखी। डीटीसी का क्या मतलब है ये भी लिख लो फटाफट। डी का मतलब है डिफिकल्टी, टी का मतलब है टाइम एंड सी का मतलब है कॉस्ट। फटाफट
चलो सर लिख लिया, अब सुनो मेरी बात। ये कहता है ऑडिटर ने बोला जाके कि यार जहां पे मैनेजमेंट की इन्वेंटरी रखी है ना, मैं उसको चेक नहीं कर सकता फिजिकली वेरीफाई करके। तो किसी ने पूछा क्यों, कहते वहां पे ना गाड़ी नहीं जाती, मेरे पास जो ऑडी है वो ऑडी वहां पे जाती नहीं। तो कहते क्या जाता है, कहते वहां पे ना सिर्फ वो जाते हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे रिक्शे जाते हैं। तो कहते मैं रिक्शे में बैठ के नहीं जा सकता, मेरे को बड़ी डिफिकल्टी होती है। अच्छा बड़ी बात। फिर उसने कहा सर वहां पे पहुंचने के लिए 10 दिन लगेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहा। अच्छा तीसरा कहते खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो भी मैं ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहा। तो ये कहता है कि डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट ये वैलिड बहाने नहीं है, ये जो डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट है ये वैलिड बहाने नहीं है। सर बहाने किस चीज को लेके, टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो ऑल्टरनेटिव कर लो, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो जो ऑडिट प्रोसीजर है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज बोलता हूं, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल और टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। यानी अगर आपको डीटीसी लग रहा है तो लगाओ, बट आप सेटल नहीं करोगे सर किसके साथ, फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। परसुएसिव का क्या मतलब है, दिस इज जस्ट अ सिनोनिम ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये लाइन आप जरूर याद रखना जब भी आप वो वाला पॉइंट कोट करते हो, दैट यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टाइम एंड कॉस्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज वही जो बचपन से आपका हमेशा लास्ट पॉइंट होता है, अदर। सर अदर का क्या मतलब है, यहां हम अदर मैटर्स की बात करेंगे। अब ये अदर मैटर्स क्या है ये मैं आपको किताब से पढ़ाऊंगा, फटाफट बताओ क्या यहां तक इनहेरेंट लिमिटेशंस क्लियर हैं या नहीं है, प्लीज लेट मी नो। इज द कॉन्सेप्चुअल इंटरलिंकिंग टिल हेयर क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ये मुझे आप बताओ। अभी तो टाइम ही क्या हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है गुरु, यहां तक मजा आ रहा नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ फील आ रही है। ग्रेट, शाबाश। अब आओ तुमको आगे लेके चलते हैं। तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे थे सर क्या, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हम यहां पे पहुंचे क्यों, क्योंकि किसी ने कहा था रीजनेबल अश्योरेंस लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा रीजनेबल के पीछे जो रीजन है वो रीजन ही इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कांट रिड्यूस, ना तो उससे एक्सपेक्टेशन है ना उसकी बस की है टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। देयरफॉर ही कांट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटिंग एंड द मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन बीइंग कंक्लूसिव। यानी वो जो एविडेंस लेता है वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। अब आता है सर सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने कहा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी उनकी मजबूरी, लिख दो यहां पे ब्रैकेट में उनकी मजबूरी। सर उनकी मजबूरी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो एंटिटी के फैक्ट्स है सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर उनकी जजमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व है यू कांट बी श्योर वेदर इट इज 100% राइट और रॉन्ग। ठीक है सर, अब आती है सर हमारी मजबूरी। हमारी मजबूरी कहती है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। लिखते चलो तुम ये बातें, लिखते चलोगे तो तुमको फील आती रहेगी कि हाँ हम पढ़ के आ रहे हैं, ये सिर्फ काले अक्षर भैंस बराबर नहीं है, हर अक्षर का मतलब है, हर अक्षर कुछ कहता है।
है, हमारी मजबूरी सर, हमारी मजबूरी क्या है? मैं परेशान परेशान परेशान, यानी हम बेचारे डिपेंडेंट हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट एंड अदर्स डोंट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू पीपीएफएस। जल्दी से बताओ पीपीएफएस का क्या मतलब है सर? पीपीएफएस का मतलब है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट हो सकता है हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही ना। एंड क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसके मन में चोर है। सेकेंड पॉइंट इज इंटरकनेक्टेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज अ, फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ऑन फायर, फटाफट बताओ फ्रॉड क्या है? फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन क्यों है? जल्दी से बताओ फ्रॉड क्या है? फ्रॉड क्या है? सोची समझी चाल अंग्रेजी में बताओ क्या कहते हैं? जो बच्चे गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं अपनी नोटबुक में लिखो, फटाफट लिखो। तुम क्योंकि यही भूलने वाले हो, तुम लिख के आओगे फ्रॉड, एग्जामिनर देगा 0, 1.5 नंबर, आधा नंबर, पूरे पूरे नंबर देगा ही नहीं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोची समझी चाल, नहीं क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। दीप, अनिरुद्ध, अभीर, दिव्यांश, अच्छे अच्छे बच्चे, समझ गए मेरी बात? तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स विच आर डिजाइंड टू कंसील इट। सर कंसील इट का क्या मतलब है? तुमने कंसील सुना होगा अपने घर में, लड़कियां लगाती है ना कंसीलर, कंसीलर मतलब वो मेकअप का पार्ट होता है, तो वो छुपाने के लिए करते हैं। तो यही चीज आपने याद रखना है क्या फ्रॉड में, कि फ्रॉड को बनाया ही इसी तरह से जाता है कि उसको छुपाया जा सके। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फ्रॉड दिख जाएगा। तो कहते हैं छुपाने के लिए हम सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम बनाते हैं। तो सर ढूंढ लो, आप भी अपनी पावर से ढूंढ लो, बट पावर है ही नहीं सर। क्यों नहीं है? ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना। कह कह के थक गया तुम, सुन सुन के थक गए, फिर भी बोलते हो कि फ्रॉड को पकड़ लो, फ्रॉड को पकड़ लो। कैसे पकड़ ले? हाथ बंधे हुए हैं। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग्स। अलेज्ड मतलब किसी ने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया है, किसी ने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया कि यहां पे फ्रॉड हुआ है इसको पकड़ो। नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम यहां पे फ्रॉड पकड़ने नहीं आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ने आए हैं, चेक करने आए हैं। तो ही डजंट हैव द स्पेशल लीगल पावर्स, एग्जाम्पल सर्च, आपको सर्च वाली पावर नहीं दी गई। तो यही तीन पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। फिर आता है सर क्या? टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये हालात क्या है? तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना। राजीव कैसे इशारे कर रहा है? राजीव, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम, एंड देयर इज अ बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फटाफट ध्यान से समझना। इसमें इन्होंने दो बातें बोली हैं क्या? जो इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस है, जो उसकी क्वालिटी है, इट टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? रेलिवेंस, आप ब्रैकेट में लिखो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम। ओवर टाइम नहीं, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, सबसे ज्यादा जल्दी कौन सी खाने की चीज खराब होती है? जल्दी से बताओगे? फटाफट बताओ खाने की कौन सी चीजें जो सबसे पहले खराब होती है। हाँ, तुमने तो हिंदी कर दिया ना रोशन जी, कह रहे जैसे जैसे समय बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू घटती जाती है बबुआ। फटाफट बताओ कौन सी ऐसी खाने की चीजें जो जल्दी खराब होती है, फिर मैं तुमको समझाता हूं। FMCG प्रोडक्ट, मिठाई। मैं तुमको बताऊं, पनीर। ठीक है सर, कैसे? जब आप पनीर लेके आते हो तो वो व्हाइट व्हाइट होता है,
अगर आपने पनीर को 2-3 दिन बाहर रख दिया तो वो हल्का हल्का येलो येलो होने लगता है, फिर येलो येलो के बाद वो थोड़ा डार्क येलो होने लगता है, फिर डार्क येलो के बाद वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन होने लगता है। सो बेसिकली जो सफेद पनीर था एक हफ्ते के बाद वो हरा पनीर हो जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता। बच्चा कह रहा है डेयरी प्रोडक्ट, हाँ मैं भी पनीर की बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पनीर है ये टेंड्स टू डिमिनिश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पनीर की जो क्वालिटी है, इट टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, कटा हुआ सेब, जो हमारा कटा हुआ एप्पल होता है उसको तुम काट के 10 मिनट छोड़ दो, अच्छा खासा सफेद एप्पल, हल्का येलो एप्पल काला पड़ जाता है। सो टाइम एक ऐसी चीज है जिसकी अगर आप थोड़ा सा भी दे दो तो सामने वाली चीज की वैल्यू कम हो जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल की पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। मैंने कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो चेक करने हैं, ठीक है सर। अब एक्चुअल जो टेस्टिंग है ये मैं कर रहा हूं मार्च में, फाइनेंशियल ईयर मान लो 23-24। तो मैं गया मार्च 24 में इंटरनल कंट्रोल्स की एक्चुअल टेस्टिंग करने, ठीक है, एक्चुअल टेस्टिंग करने गया, मुझे इंटरनल कंट्रोल एकदम चकाचक मिले, मैंने कहा वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल्स की जो मुझे वो चाहिए कि ये ऑपरेट करें, ये ऑपरेट सिर्फ मार्च में अच्छे से करें या पूरे साल? सर पूरे साल, मुझे तो पूरे साल की रिपोर्ट देनी है ना, मुझे सिर्फ मार्च की रिपोर्ट थोड़ी देनी है, पूरे साल की रिपोर्ट देनी है। तो अब कहीं ना कहीं अगर मुझे अगस्त, जुलाई, जून या और भी कोई महीने जहां मैं एज अ ऑडिटर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, मुझे कैसे पता चलेगा तब के इंटरनल कंट्रोल्स ठीक चल रहे थे कि नहीं? क्या पता तब दिक्कतें हो, अब सब सही हो गया हो। अब सब मामला सही चल रहा है, तब तो सही था नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट मुझे अगस्त के डॉक्यूमेंट्स लाके देती भी है, ठीक है, जुलाई के डॉक्यूमेंट्स लाके भी देती है, मैं इन पे उस नजरिए से विश्वास नहीं कर पाऊंगा जितना मैं मार्च वालों पे कर पाऊंगा, क्योंकि मार्च वाले मैं खुद सामने से देख रहा हूं ये सही चल रहे हैं। क्या पता अगस्त के डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने कल ही बनाए हो, जुलाई के डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने कल ही बनाए हो, तब हो सकता है दिक्कतें रहती हो। तो कहीं ना कहीं अब आप बोलो, कितने बच्चे बोलते हैं सर आप अगस्त में भी जाके चेक करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि सर आप अगस्त और जुलाई में जाके भी चेक कर लो, कोई कहना चाहता है तो जल्दी बताओ, मैं फिर तुमको बताऊं अगस्त और जुलाई में जाके चेक कर लो। एनीवन वांट्स टू से अगस्त और जुलाई में चेक कर लो? पॉसिबल ही नहीं है। सर पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे भाई ऑडिटर साल भर थोड़ी वहां बैठा रहेगा, हैं? ऑडिटर के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? और अगर बैठेगा तो फीस चार्ज करेगा, नॉट एवरी कंपनी कैन अफोर्ड सच कॉस्टली ऑडिटर। तो आपने वो बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, आपने कहीं ना कहीं वो बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो आप ऑडिटर को साल भर बिठा के नहीं रख सकते, तभी लिस्टेड कंपनीज के केस में ऑडिटर साल भर बैठा रहता है, बट जो प्राइवेट कंपनीज है उसके लिए सिर्फ वो 2 महीने जाते हैं और पूरे साल को ऑडिट करके आता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई बात समझ? हाँ, इंटरनल ऑडिट थोड़ी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये पॉइंट आपने बेसिकली समझना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता, देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। जिस इंफॉर्मेशन पे आप रिलाय करना चाहते हो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। दिस पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पहला पॉइंट, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी वहां पे बैठने के लिए, तो अब आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है चुपचाप उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एंड लास्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से लिखो, रेडी फॉर द फोर्थ पॉइंट इन द चैट बॉक्स, पानी के 2 घूंट लगाओ और जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सर रेडी है क्या, आप सब रेडी है फॉर द फोर्थ पॉइंट, फटाफट बताओ। ओ भाई जागो मोहन प्यारे, इधर देखो बढ़िया बढ़िया नजारे। यस सर, रेडी 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 आओ। अब ये कहता है क्या, फोर्थ पॉइंट कहता है अदर मैटर्स,
इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. कहता है चार ऐसे अदर मैटर्स हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी द चांसेस कह लो, द चांसेस ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स आर वेरी हाई. सर ये चार एरियाज कौन से हैं फटाफट समझना. पहला एरिया तो वही है जो आपको ऑलरेडी पता है सर, क्या? फ्रॉड. और फ्रॉड में भी अगर मैं अकेले अकेले फ्रॉड करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, बट अगर मैं तीन चार लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड करूंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा. तो सर फ्रॉड कौन सा? जिसमें एक नहीं बहुत सारे लोग साथ में मिले हुए हो, जिसको अपन बोलते हैं कॉल्यूजन. दूसरा, अगर एक एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो सीनियर पकड़ लेगा. अगर आज एक छोटा एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तो सीनियर पकड़ लेगा, बट अगर सीनियर ही फ्रॉड करे तो इस बाबू को कौन पकड़ेगा? तो सर सेकेंड पॉइंट जो आपका फ्रॉड में आपको ध्यान रखना है इज द फ्रॉड बाय सीनियर मैनेजमेंट. जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है वो भी तो फ्रॉड कर सकती है. तो पहला पॉइंट समझ आ गया, फ्रॉड. दूसरा पॉइंट, एक एंटिटी के ऊपर जो लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं ये कितने होते हैं? एक, दो, तीन, कितने लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कोई बताएगा जल्दी से? सोचो जरा. एक होते, दो होते, तीन होते हैं, बाबा हजारों होते हैं. हर चीज के लिए तो लॉ है. अगर आपने छोटे बच्चे से काम कराया तो वो होता है चाइल्ड लेबर एक्ट. अगर आपकी जो फैक्ट्री है गंदा गंदा धुआं फेंकती है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. अगर आपने कैश ज्यादा एक्सेप्ट कर ली या कैश में पेमेंट कर दी तो कुछ इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन लग जाएंगे. दूसरा, अगर आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो, इस एंटिटी को पैसा देते हो, इस एंटिटी से इस एंटिटी को पैसा देते हो, इससे इसको देते हो, तो आप कहीं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाता है. तो मैं बोलता हूं इन लॉज एंड रेगुलेशंस की कोई गिनती ही नहीं है, दीज आर अनलिमिटेड. वेरी वेरी गुड. तो एक बात बताओ, अगर किसी लॉ और रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंस हो गई तो क्या ये डिटेक्ट करना बहुत टफ है? आंसर इज यस. डिटेक्शन ऑफ सच नॉन कंप्लायंस इज वेरी टफ. क्योंकि ये बहुत टफ है तो यहां पे अगर नॉन कंप्लायंस हुई, नॉन कंप्लायंस पे क्या लगेगी? मैंने कहा नॉन कंप्लायंस होते ही यहां पे कंपनी पे लगेगी भारी पेनल्टी. अब अगर पेनल्टी लगी तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन बनना चाहिए, और अगर प्रोविजन नहीं बना, इट कैन लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इट कैन लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो सेकंड लिमिटेशन समझ आई ऑडिटर की, उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, बेचारा किसी से भी अगर नॉन कंप्लायंस रह गया तो उसकी पेनल्टी का प्रोविजन बनना रह जाएगा. प्रोविजन बनना रह जाएगा तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी. तो आई होप द सेकंड पॉइंट इज क्लियर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. क्लियर है? अब आते सर थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट क्या कहता है ध्यान से समझना. इससे पहले बीच में एक पॉइंट और डालता हूं, ठीक है? क्योंकि वो इंटरलिंक्ड पॉइंट है ना, मैं तुमको गलती से थर्ड पॉइंट पहले करा दिया. पहले सेकंड पॉइंट पे आओ. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये कहता है रिलेटेड पार्टी. अच्छा, रिलेटेड पार्टी के बारे में आपको क्या चाहिए? कितने बच्चे एफआर पढ़ के आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एफआर? फटाफट बताओ. एफआर तो पढ़ के आए हो बाबू. हाँ, उसमें कोई इंडेस पढ़ा था क्या? इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी का इंडेस याद है? इंड एएस, इधर देखो, इंड एएस 24. ये क्या कहता है? जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं,
या ट्रांजेक्शन्स हैं या बैलेंसेस हैं, आपने इनको डिस्क्लोज करके चलना है, आपने इनको डिस्क्लोज करके चलना है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। क्या रिलेटेड पार्टी इंड एस 24 में आपने मजेदार चीज पढ़ी थी कि जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से ट्रांजैक्शन है, बैलेंसेस है, इनको आप डिस्क्लोज करके चलोगे। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी के बारे में बताया नहीं तो हमको क्या सपना आएगा, हमको क्या सपना आएगा कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं। तो देयर आर चांसेस कि इस तरह के रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आपसे रह जाए, तो देयर आर चांसेस कि यहां पे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न। जो हमारा गोइंग कंसर्न है, अगर इसमें कोई दिक्कत है जो कि मैनेजमेंट ने हमको नहीं बताई, गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है, एंटिटी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो इफ देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, इफ देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी यानी आप कह सकते हो दिक्कत है गोइंग कंसर्न के अंदर, दिक्कत है, तो अगर यहां पे कोई गोइंग कंसर्न की दिक्कत है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको इसके बारे में ना बताए और आपसे ये गलती रह जाए, सो देयर आर चांसेस कि आप एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए। अब सवाल ये उठता है, पॉइंट सारे क्लियर हैं, पहले ये बताओ, इनको फटाफट लिख ही लो, राइट देम डाउन और मुझे बताओ आर दे क्लियर टू यू, समझ आ गए या नहीं आए। आ गया सर, डन। अब सुनो मेरी बात, अब सर ये याद कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर मैटर में सबसे पहले आपको पहला पॉइंट आएगा फ्रॉड, क्या फ्रॉड याद आ जाएगा? हाँ सर, जैसे ही मैं बोलूंगा अदर मैटर्स कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट आप पकड़ नहीं पाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? फ्रॉड। फ्रॉड कौन सा? जहां पे ढेर सारे लोग साथ में मिले हुए, यानी इन्वॉल्विंग कॉल्यूजन। सर कॉल्यूजन के साथ साथ आप कौन से फ्रॉड की बात करेंगे? सीनियर मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, ये फ्रॉड अकेले अकेले करेंगे किसी के साथ मिलके कर रहे हैं? सर किसी के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके। हम जो ये फ्रॉड करेंगे किसके साथ मिलके करेंगे? अरे बाबू किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। जब आपने रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड किया, क्या आपने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई किया या नॉन कंप्लायंस? मैंने कहा नॉन कंप्लायंस। जब आपने रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड किया तो आपने क्या किया? नॉन कंप्लायंस। और एक बार नॉन कंप्लायंस करोगे तो इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, इतने छेद करेंगे क्या कि गोइंग कंसर्न की बैंड बच जाएगी, कि आपकी गोइंग कंसर्न की बैंड बच जाएगी। बस ये चार पॉइंट आपने ध्यान में रख लिया। कौन सा आपको रॉकेट साइंस पढ़ा दी मैंने, कौन सा बहुत बड़ा गेम पढ़ा दिया मैंने, यही चार पॉइंट बस ध्यान रखने हैं। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। तो ये कंप्लायंस है नॉन कंप्लायंस? नॉन कंप्लायंस। इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, इतने छेद करेंगे कि गोइंग कंसर्न खतरे में पड़ जाएगा। अब बताओ बाबू आर दीज पॉइंट्स क्लियर और नॉट? चारों के चारों पॉइंट दिमाग में गए, जल्दी से बताओ। डन डन आर डन डन। फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं, फिर मैं आपको ब्रेक देंगा, जल्दी से बताओ आर दीज पॉइंट्स क्लियर और नॉट? फटाफट बताओ, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट्स? क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन ऑडिट वाले टीचर जरा क्वेश्चन करा दो, जरा क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो ऑडिट वाले टीचर, जरा क्वेश्चन करा दो। सर क्वेश्चन करेंगे, कितने बच्चे कहते हैं सर हम क्वेश्चन करेंगे? कितने प्रतिशत ऑडिट स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब वो क्वेश्चन करेंगे? जल्दी सर बताओ, बताओ जी बताओ, कितने प्रतिशत बच्चे कहते हैं? एक बच्चे ने भी बोला तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मुझे तो क्या है, ऑल इंडिया रैंक वन तो एक ही बच्चे की आती है। हाँ सर ऑडिट वाले टीचर जरा क्वेश्चन करा दो, आ जाओ तुमको क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चंस करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे, आप भी क्या याद रखोगे, हम क्वेश्चंस करने के लिए बहुत बेताब हैं। रुको एक मिनट, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा।
अच्छा जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया ना उसका प्रिंट मत लेना ठीक है, ऊपर से कट रहा है, तो जो मैंने अभी ओपन किया वो ओपन करेंगे। आ जाओ फटाफट, आओ फटाफट। ये अपना क्वेश्चन बैंक है, फटाफट आओ आप ऐसे 200 पे जल्दी से आओ। अकेले अकेले करोगे या साथ में मिलके करेंगे? सर साथ में मिलके करेंगे, सबका साथ सबका विकास। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या इसका सवाल फाइनल लेवल पे आता है? ऐसा पहले लगता था कि नहीं आता, फिर जुलाई 21 में आईसीए ने कर दिया धप्पा, तो जब धप्पा कर दिया तो अपने को अच्छे से करना पड़ेगा। ये कहता है मेसर्स एसजीएन कंपनी, ये मेसर्स होता है या मिसेज होता है? मेसर्स होता है ठीक है। मेसर्स एसजीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड, ठीक है सर। द कंपनी इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल्स फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। कंपनी का काम था कि उसको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। ऑडिटर कैरीड आउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड फाउंड आउट नो मेजर ऑब्जर्वेशन। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मेरा आप सबसे सवाल, यह आपने इंटर में पढ़ रखा है फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स करता है तो ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सर क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की, इन सब की डिस्कशन होगी आने वाली क्लासेस में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको बता के चल रहा हूं। दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात होती है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में अगर मैं एक लेवल नीचे जाऊं इसके अंदर क्या आते हैं सर? इसके अंदर आते हैं आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद आते हैं सर क्या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। जो आपके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हैं इसमें आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या इतना आपको ध्यान में है? इसका मीनिंग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ठीक है, ये सब का क्या मतलब होता है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फलाना ढिमकाना सब अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना बताओ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ऐसा करके कुछ होता था? हाँ सर। तो ऑडिटर ने हमारे केस में क्या कर रखा है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रखे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे और उसको कोई गड़बड़ नहीं मिली। इसके बाद क्या कह रहा है? After the completion of audit, audit report was submitted and audit results were issued. एक बात बताओ, अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो हुआ भी नहीं है, यानी इसने सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे बट क्या इसने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स किए? द आंसर इज नो, इसने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करे ही नहीं, नालायक ने। अब अगर इसने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करे तो बताओ कहानी में आगे क्या होगा? कहानी में आगे ये होगा कि कोई गड़बड़ मिलेगी और ऑडिटर पकड़ा जाएगा, तुमको तो क्लाइमेक्स ऑलरेडी पता है। तो अब आगे यही हुआ, फ्रॉड पर्टेनिंग टू द एरिया ऑफ इन्वेंटरी केम टू द लाइट सब्सिक्वेंटली फॉर द पीरियड कवर्ड बाय ऑडिट एंड ऑडिटर्स वर आस्क्ड टू मेक अ सबमिशन एज टू व्हाई, क्यों तुम्हारा ऑडिट नहीं पकड़ पाया सच फ्रॉड। ऑडिटर सबमिटेड दैट, कहते हैं हम मजबूर है, लिखा है देखो नलायकों ने, कहते हैं हम मजबूर हैं। ऑडिटर सबमिटेड दैट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट परसुएसिव एविडेंस ऑफ सर्टेन मैटर्स लाइक फ्रॉड। हम फ्रॉड पकड़ ही नहीं सकते। तो क्या लगता है ऑडिटर का स्टेटमेंट सही है या गलत? देखते हैं कितने बच्चे यहां पे फर्स्ट क्लास है, कितने नलायक है, अभी पता चल जाएगा। ऑडिटर कहता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो हम ऑडिट करेंगे ही नहीं, इस नालायक ने टीओसी करके छोड़ दिया, अब सब्सटेंटिव भी तो करना था, सब्सटेंटिव किया ही नहीं, तो क्या ऑडिटर ने सही किया? द आंसर इज नो। सुन लो ना, आईसीआई की पास परसेंटेज लो है तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे नहीं क्या? क्या बोलते हो, कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? आईसीआई की पास परसेंटेज लो है, सब पास नहीं होते तो हम भी पढ़ना छोड़ देते हैं, क्या करेंगे पढ़ के जब परसेंटेज इतनी लो है, या फिर हम पढ़ाई करेंगे? हम अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो आए भगवान की कृपा भगवान की दया। तो यही तो ऑडिटर का खेल है, इनहेरेंट लिमिटेशन इसका लगे थोड़ी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर ना करो। तो यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है
कि इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर नहीं करेंगे। आप अपना ऑडिट तमीज से नहीं करेंगे, बच्ची ने सही कहा, पढ़ना तो पड़ेगा, प्रोसीजर तो करने पड़ेंगे। सो डू यू थिंक ऑडिटर मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज नो, ऑडिटर डिड नॉट मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट। दीप कह रहे सर ऑडिटर इज करेक्ट, दीप नलायक कैसे करेक्ट है? क्या इसने ये ऑडिट प्रोसीजर करे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर? नहीं, कहां करे? और मैंने तुमको एक लाइन भी लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी सर? डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। तुम तो भूल जाते हो ना, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है। ये लिखाई थी ना कवि की लाइन, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। तुमको ये बात ध्यान रखनी है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, मेहनत बड़ी लग रही है, समय बड़ा लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो लगाओ, करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो यही पॉइंट यहां पे लिखना है कि ऑडिटर का स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्लस ये पहला पार्ट कवर हो गया। दूसरा पार्ट ऑल्सो डिस्कस, एक और चीज पूछी है, क्या सर्टेन सब्जेक्ट मैटर और अजर्शंस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। बताओ इस पॉइंट में क्या आएगा? ये वाला जो पॉइंट है, अब तुमको थोड़े ना दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ऐसे कौन से मैटर्स हैं, ऐसी कौन सी अजर्शन है जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है? बताओ, जहां पे ऑडिटर के लिए जो दिक्कतें हैं, डिफिकल्टी है, ये बढ़ जाती है। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, अदर मैटर्स, वेरी वेरी गुड, सही बोला तुमने, फाइव स्टार टॉपिक। अदर मैटर्स, सर अदर मैटर्स का क्या मतलब है? वही फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टीज। जब रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करेंगे तो ये हो जाएगा नो क्लार। सर नो क्लार का क्या मतलब है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जब आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, इतने छेद करेंगे कि गोइंग कंसर्न भी खतरे में आ जाएगा, गोइंग कंसर्न भी खतरे में आ जाएगा। तो फटाफट आओ मेरे साथ आंसर पढ़ो। कहता है एज पर ऐसे 200, ऐसे 200 का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। प्लस इसने एसक्यूसी 1 का भी रेफरेंस दिया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। कहते देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कह रहे हम अपना काम पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेंगे, तब भी बनी हो सकता है कुछ छूट ही जाए। वो कहती है ना, ये जवानी है दीवानी में, कितना भी कर लो बनी कुछ छूट ही जाएगा। तो यही कह रहा है, कितनी भी मेहनत कर ले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। फिर कहता है अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर डज नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट अ फेलियर टू कंडक्ट ऑडिट एज पर एसेस। हाउएवर, आ जाएगी कवि की लाइन, इनहेरेंट लिमिटेशंस आर नॉट अ जस्टिफिकेशन टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव एविडेंस। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा ऑडिट एसेस के हिसाब से हुआ है? How are you so sure कि audit essays के हिसाब से हुआ है? तो मैं बोलूं, बोलो सर, यही audit है। तो अगर आपने इसको as per essays किया तो audit as per essays हुआ, यानी जो आपके procedures हैं ये as per standards on auditing होने चाहिए। जो आप conclusion draw करो audit evidence पे, ये आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होना चाहिए। जो आप अपनी रिपोर्ट इश्यू करो, जो आप अपना ओपिनियन दो, ये एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें टिक हो गई तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट हुआ है। तो यही पॉइंट अगली लाइन कहती है, वेयर द ऑडिट हैज ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। पहला केस, प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। एविडेंस पे क्या निकालेंगे? कंक्लूजन, कंक्लूजन पे ओपिनियन, ओपिनियन कहां पे? रिपोर्ट में। एंड द सूटेबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस इन द लाइट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर।
इन द व्यू इट कैन बी कंक्लूडेड ऑडिटर डिड नॉट गिव अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इस नालायक ने ऑडिट प्रोसीजर्स करे ही नहीं. इसने ऑडिट प्रोसीजर्स में कमी छोड़ दी. इसने ऑडिट प्रोसीजर तमीज से नहीं करे. फिर लास्ट पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, फ्रॉड. फ्रॉड कौन सा? सीनियर मैनेजमेंट कॉल्यूजन, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन, अक्रेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन दैट कैन कॉज एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. जल्दी से बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मजा आया? फील आ गई सीए फाइनल की? फटाफट बताओ. ये लेवल आईसीए के फाइनल का लेवल, यानी इस लेवल पे आपने खेलना है. यानी मैं बोलूं, अगर आपके पास पर्सपेक्टिव क्लियर है, आपके दिमाग के जो वो है ना, क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शंस हैं, वो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. कोई दिक्कत नहीं आने वाली. बड़ा सिंपल है, बड़ा समराइज्ड है. यही पॉइंट कह रहा है, इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा. नलायक, तुम्हारा नाम होना चाहिए नलायक नंबर वन. और ये जो पिक्चर है ना, ये डेविड धवन को प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि उसने प्रोड्यूस कर ली हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, अब नलायक नंबर वन. भाई साहब, अगर ऐसा सोचोगे ना, इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, तो तुम बुद्धू हो. क्योंकि इस आंसर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अननेसेसरी है. ऐसे 200 का रेफरेंस देना, ये तुमको इंटर से आता है. दूसरा, तुम बात करोगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की. तीसरा, तुम बोलोगे ऑडिट कैसे होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एंड कवि की लाइन मैंने तुमको याद करवाई दी थी. एंड फोर्थ में खुद उसने पूछा अदर मैटर्स, ये अदर मैटर्स आपको लिखने. अब तुम ये बोलो सो इतना बड़ा आंसर कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? सामने वाले बंदे ने तुमको समझा भी दिया है, याद भी करवा दिया है. अब जब गूगल मैप्स तुम्हारे सामने है, तो बाबू गाड़ी तो चलानी पड़ेगी. ठीक है. सो ऑन दिस नोट क्या करें सर, ऑन दिस नोट लेट्स गो फॉर अ ब्रेक. लेट्स टेक अ किटकैट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल कैच अप. सर ब्रेक कितने मिनट का है? 10 मिनट का ब्रेक है. 8:40 पे अपन वापस मिलेंगे. ठीक है, चलो सर, मिलते हैं.